हाँ तो नमस्कार प्यारे दोस्तों हम बात कर रहे थे डी जी एस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है अभिनंदन है प्यारे दोस्तों हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की भारतीय इतिहास के, के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया था हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आज हम बात कर रहे थे भाई वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में क्या क्या पढ़ा आपने सबसे बड़ी ये देखते हैं क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ठीक है तो कल वाला रिवाइज़ करके फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा तो वैदिक सभ्यता चल रही थी वैदिक सभ्यता में हमने कल देखा था उसके घटनाक्रम आ रहे कहाँ से आए किस तरीके से आए सारी चीज़ें हमने देख ली थी उसके पश्चात हम बात कर रहे थे चार वेदों की चार वेदों की बात कर रहे थे चार वेदों में से पहला वेद चार कुन -कुन वेद कौन कौन से थे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ये चार वेदों का जिक्र किया था चार वेदों का जिक्र करने के पश्चात हमने पहले वेद के बारे में पढ़ा था कौन सा वेद ऋग्वेद कौन सा प्यारा दोस्तों ऋग्वेद ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा था और ऋग्वेद जो है क्या है किस कंडीशन से देखने को मिलता है ये सारी चीजें हमें ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करती थी ऋग्वेद ऋक रिक ये ऋचा ऋग्वेद से ऋचा बना ऋचा में ऋग्वेद में क्या है ऋचा है ऋचा में श्लोक है श्लोक में मंत्र है और मंत्र में क्या है देवी देवताओं की स्मृति स्मृति है या स्तुति है क्या है भाई देवताओं की स्मृति या स्तुति है और यहाँ पर श्लोकों की बात की थी दस हजार पाँच सौ बासठ श्लोक है कितने श्लोकों की बात की थी वही दस हज़ार पाँच सौ बासठ श्लोक है किसमें है ये ये ऋग्वेद में यहाँ पर सुक्तों की बात की थी तो ऋग्वेद में कितने लगभग अपने पास जो है दस एक हज़ार अट्ठाईस सुक्त है कितने हैं एक हज़ार अट्ठाईस सुक्त है जिसमें से मूल सुक्त कितने हैं दस हज़ार एक हज़ार सत्रह है और बाल किले कितने हैं वही ग्यारह और क्या देखा था हमने हमने देखा था कि ऋग्वेद के दसवें मंडल किस ये ऋग्वेद में कितने मंडल है दस मंडल है कितने मंडल है दस मंडल है पहले मंडल में अग्नि का उल्लेख है एक नौ और दसवाँ मंडल नवीन मंडल माना जाता है और नवे मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है और दो सात आठ जो है ये प्राचीन मंडल माने जाते हैं जिन्हें वंश मंडल भी कहते हैं क्या कहते हैं भाई वंश मंड वंशमंडल भी कहते थे इन्हें प्राचीन मंडल भी कहते हैं दसवें मंडल को पुरुष सूक्त या वर्णन किया गया है क्या किया गया है पुरुष में किसकी वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है ठीक है भाई और बाते और बातें करें देखा में ये जो मंत्र है ये भी कहाँ से मिल रहा है हमें ऋग्वेद से मिलता है सविता यानी कि जो ओम पुरुव गायत्री मंत्र है वो भी हमें यहीं से मिलता है भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है इसके किसको पुरोहित को क्या होता है या होत्री कहा जाता है और बात करें ऋग्वेद की या सॉरी ऋग्वेद का हो गया यजुर्वेद की किसकी यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद की जो जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों यजुर्वेद जो ये कर्मकांड पर आधारित ग्रंथ माना जाता है किस पर आधारित भाई वेद माना जाता है कर्मकांड पर आधारित वेद माना जाता है यहाँ हवन के साक्ष्य मिलते हैं हमें यज्ञ साक्ष्य साक्ष्य क्या है हवन के बारे में जानकारी मिलती है किस प्रकार से यज्ञ किया जाए ये सारी जानकारी यज्ञों का उल्लेख किया गया है इसमें यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया किसमें लिखा गया ये गद्दे और पद्दे में लिखा गया गद्दे और पद्य के मिलाकर शैली को क्या कहा जाता है चंपू शैली कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई चंपू शैली कहा जाता है और इस चंपू शैली के कारण इसे चंपू भी कहा जाता है ठीक है यहाँ पर सुनने का उल्लेख भी किया गया है किसका सुनने का, का उल्लेख किया गया है मंत्रों का उल्लेख किया जाता है यहाँ पर कितने मंत्र है भाई यहाँ पर अठारह मंत्रों का उल्लेख किया गया है कितने 1875 अठारह मंत्रों का उल्लेख किया गया दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर इसको किसको यजुर्वेद को दो भागों में एक कृष्ण यजुर्वेद एक शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद को मूल सा का माना गया है शुक्ल यजुर्वेद को क्या माना गया है भाई इसकी इसकी वाज स्नेही कहा गया है इसको क्या कहा जाता है वाज और इसके पुरोहित को कहा जाता है क्या कहा जाता है कहा जाता है किसको इसके पुरोहित को यहां तक की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी क्या कर ली थी भाई यहाँ तक की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी ठीक है प्यारे दोस्तों अब हम जा रहे हैं बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें तो देखिएगा क्या जानकारी प्राप्त करते हैं अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम इसी श्रेणी में आगे जो नेक्स्ट वेद आता है पैर दोस्तों तो ऋग्वेद पढ़ लिया हमने यजुर्वेद पढ़ लिया हमने अब जो नया वेद लेकर आए हम और नया वेद जो पढ़ेंगे पैर दोस्तों कौन सा वेद है आपका जो वेद है वो पढ़ेंगे हम शाम वेद कौन सा कौन सा वेद शाम वेद कौन सा भाई शाम वेद शाम वेद कौन सा भाई शाम वेद और शामवेद ये तीसरे नंबर का है कौन से नंबर का है वही तीसरे नंबर का शामववेद के बारे में हम चर्चाएं करते हैं ठीक है क्या क्या जानकारियां मिलती है सामवेद से किस प्रकार की जानकारियां मिलती ये देखिएगा क्या क्या जानकारियां मिलती है सामवेद से ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए क्या क्या जानकारी हमें सामववेद से मिलती है ठीक है अब बात करते हैं सामवेद को बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये गान या संगीत है इसमें किसका उल्लेख है इसमें जो उल्लेख किया जाता है प्यारे दोस्तों इसमें संगीत का उल्लेख किया जाता है किसका उल्लेख किया जाता है भाई संगीत का उल्लेख किया गया इस है इसमें किसका उल्लेख है इसमें इसमें शाम वेद में संगीत का उल्लेख किया गया है किसका संगीत का उल्लेख किया, किया, किया गया है क्या किया गया है उल्लेख किया गया है क्या किया गया किया गया अर्थात इस ग्रंथ में किसका किया गया है उल्लेख है ठीक है भाई संगीत का उल्लेख है अर्थात संगीत को समर्पित माना जाता है ये किसको समर्पित माना जाता है संगीत को समर्पित माना जाता है शामवेद ये जो शामवेद देख रहे हैं आप सामवेद के बारे में जो चर्चाएं कर रहे हैं यार दोस्तों ये किसको समर्पित माना जाता है ये संगीत को समर्पित माना जाता है संगीत को समर्पित अर्थात संगीत का उल्लेख है किस प्रकार से संगीत गायन किया जाता है गायन क्या होता है क्या नहीं होता है अर्थात इसे भारतीय संगीत का जनक भी कह सकते हैं आप क्या कह सकते हैं इसको भारतीय संगीत का जनक भी कह सकते क्या कह सकते हैं भारतीय भारतीय संगीत संगीत का जनक भी इसी को कहते हैं क्या कहते हैं भाई भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं श्याम को शाम वेद को कहते हैं क्या कहते हैं भाई शाम वेद को कहते हैं शाम वेद को कहते हैं क्या कहते हैं भारतीय संगीत का जनक भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं शाम वेद को कहा जाता है ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए इसके बाद इसके मूल जो मंत्र देखने को मिलते हैं इसमें मूल मंत्रों का जिक्र करें इसमें मूल मंत्र है वो कितने मंत्र है भाई इसमें मूल मंत्रों की बात करें तो इसमें जो मूल मंत्र है प्यारे दोस्तों यहाँ पर मूल मंत्र क्या मूल मंत्र मूल मंत्र इसमें मूल मंत्रों की बात करें तो यहाँ पर मूल मंत्र की संख्या मिलती है हमें मूल मंत्रों की जो संख्या देखने को मिलती है यहाँ वो मिलती है हमें पिचहत्तर कितने भाई मूल मंत्रों की संख्या यहाँ पर कितनी मिलती है पिचहत्तर इस ग्रंथ में या इस शाम वेद में मूल मंत्रों की संख्या कितनी मिलती है पिचहत्तर संख्या मिलती है याद रखिएगा मूल मंत्रों की संख्या कितनी मिलती हुई ये सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद माना जाता है कौन ये सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद माना जाता है जो श्याम वेद है श्याम वेद वेद सबसे सबसे कम ऐतिहासिक ऐतिहासिक महत्व महत्व वाला वेद माना जाता है वेद माना जाता है वेद माना जाता है कौन सा वेद माना जाता है ये सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद माना जाता है वो कौन सा वही साम वेद ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम जो ऐतिहासिक महत्व है वो कौन से वेद का है या सर्वाधिक महत्व कौन सा का है तो ऋग्वेद का ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई यहाँ से मिलती है और बात करें यति रति छंद अलंकार लय ये सब शामवेद में है इनका सबका शब्द का, सब का उल्लेख कहां पर किया गया है सामवेद में किया गया है किस में किया गया है भाई सामवेद में किया गया है किस किस का उल्लेख किया गया है यहां पर देखिए यहां पर देखिए किस किसकी जानकारी मिलती है, है यहां से यति ठीक है किस किसकी यति जो गायन शैली में प्रयोग में लिया जाता है इनको किसको यति रति छंद यति रति छंद अलंकार किसका यति रति छंद अलंकार अलंकार इन सबका उल्लेख कहाँ पर किया गया है अलंकार का उल्लेख उल्लेख सामवेद में है सामवेद वेद में है, साम वेद में है। रति छंद अलंकार का उल्लेख कहाँ पर है भाई कौन से ग्रंथ में है अर्थात संगीत की सारी जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है आप लगा सामव वेद जो कौन सा वेद है तीसरे नंबर का वेद हम पढ़ रहे हैं भाई तो साथियों और इसमें क्या अर्थात जितने भी गाने गाए जाते हैं संगीत कहाँ से मिला है हमें भाई हमारा वेद है कौन सा सामवेद इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है ठीक है याद रखना यति, रति, छंद अलंकार लय लय भी एक चीज याद रखना है ना लय लय ये लय भी आती है इसके साथ ही और बात करें इसका जो पुरोहित है क्या कह रहे दोस्तों इसका पुरोहित की बात करें किसका इस सामवेद का जो पुरोहित माना जाता है इसका पुरोहित की बात करें तो इसके पुरोहित को उदघाता कहा जाता है क्या कहा जाता है उद गाता कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई इसका पुरोहित क्या कहलाता है उद्गाता कहलाता है तो ये सामवेद के बारे में छोटी छुट छोटी जानकारी यहाँ इतनी ज्यादा विशेष महत्व ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ग्रंथ तो नहीं है लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए सबसे पहले सामवेद में संगीत की जानकारी होनी क्या संगीत की या गायन की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें संगीत की जानकारी जो मिलती है हमें सामवेद से मिलती है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाए तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है इसमें मंत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है मूल मंत्रों की संख्या पिचत्र मानी गई है कितनी मानी गई है भाई मूल मंत्रों की संख्या पिचत्तर मानी गई है सामवेद सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला ग्रंथ है कौन सा सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला ग्रंथ माना जाता है या वेद माना जाता है भाई इसके बाद बात करें तो यहाँ पर लय रति यति रति छंद और लय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है अलंकार की जानकारी कहाँ से मिलती है अर्थात इसकी जानकारी भी हमें सामवेद से मिलती है इसका पुरोहित क्यों कहलाता है उद्गाता कहलाता है इसका पुरोहित कौन है उद्गाता इसका पुरोहित कहलाता है ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और जज्बे के साथ ध्यान रखनी है क्वेश्चन आ जाए तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट वेद की और नेक्स्ट वेद कौन सा हो जाएगा भाई आपका ये तो हो गया सामवेद अब हो जाएगा अथर्ववेद कौन सा वेद बचा आपका अथर्ववेद किसके बात करते हैं अथर्ववेद देखिए कौन सा है दोस्तों अथर्ववेद

लिखित करने का कार्य या लिखने का कार्य किसके द्वारा अथर्वा ऋषि के द्वारा किसके द्वारा अथर्वा अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया किसके द्वारा इसका जनक किसको माना जाता है अथर्वा ऋषि को माना जाता है किसको माना जाता है अथर्वा ऋषि को इसका जनक माना जाता है यह इसका आदि पुरुष या इसको लिखने वाला जो माना गया है वो अथर्वा ऋषि को माना गया है किसको माना जाता है ऋषि अथर्वा को माना जाता है इसमें जो उल्लेख किया गया है इसमें किसका उल्लेख है इसमें उल्लेख जो किया गया है इसमें उल्लेख किया गया है किसका उल्लेख किया गया है भाई जादू टोना का किसका जादू जादू टोना का उल्लेख किया गया है क्या किया गया है भाई इसमें जादू टोना का उल्लेख किया गया है अब आपको पता है कई सारे काला जादू दुनिया भर के कई प्रकार के जादू होते हैं दक्षिण भारत में भी प्रचलित अपने सूर्य भारत में जादू का बोलबाला काफ़ी रहा है भाई और वो सारे जादू कहाँ से देख सीखे थे यहाँ के आपके अथर्ववेद से सीखे गए थे और सारे जादू टोनों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है भाई यहाँ को प्रमाणिकता इन जादू टोनों को प्रमाणिकता देने वाला वेद कौन सा है इनको प्रमाणिकता देने वाला वेद है आपका कौन सा अथर्वेद ये सारी जानकारी हमें अथर्वेद से प्राप्त होती है और जो बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पर लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व धारण करने है या इसमें कहा जाता है क्या और जानकारी मिलती है इसमें सबसे सब पहले और देखें तो इसमें जो मंत्र है प्यारे दोस्तों मंत्र काफी सारे मिलते हैं इसमें क्योंकि जादू टोना के मंत्र तो कम रहेंगे नहीं पांच हजार आठ सौ उनचास कितने मंत्र मिलते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो मंत्रों की संख्या मिलती है किसके इसमें मंत्रों की संख्या जो मिलती है पाँच हजार आठ सौ उनचास कितनी मंत्र मिलते हैं कितने मंत्र मिलते हैं इसमें उल्लेखित है इसमें कितने मंत्र है इस वेद में कितने मंत्र है पाँच हजार आठ सौ उनचास मंत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं कौन से वेद में अथर्व वेद में पाँच हजार आठ तो सौ उनचास मंत्र देखने को मिलते हैं अर्थात इसमें जादू टोने के उल्लेख किया गया है जादू टोने में कितने मंत्र बनाए गए हैं यहाँ पर पाँच हजार आठ सौ उनचास मंत्रों का उल्लेख किया गया है यहाँ पर बात करें तो ये कर्मकांड और कर्मकांड की जो संख्या बताई गई है यहाँ पर कर्मकांड पर भी बल देता है, पर बल देता है? किस पर बल देता है ये कर्मकांड किस पर बल देता है भाई कर्मकांड और कर्मकांड की जो संख्या बताई गई है यहाँ पर कर्मकांड की संख्या किसकी कर्म कर्मकांड की कर्मकांड कर्मकांड की जो संख्या बताई गई, गई, गई है पर पर बताई बताई गई गई है है कितनी कर्मकांडों की संख्या अर्थात कर्म ही प्रधान बताया गया है कौन से वेद में बे, वेद में बे। वो तो सभी जगह कर्म ही प्रधान होता है जैसा करोगे वैसा करोगे जैसा काम करोगे वैसा आपको क्या मिलेगा परिणाम मिलेगा पुरोहित को इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है इसके पुरोहित को क्या इसके पुरोहित को किसको कह रहे दोस्तों इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है क्या कहा जाता है इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है भाई ब्रह्मा कहा जाता है इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है या ब्राह्मण कहा जाता है क्या कहा जाता है ब्राह्मण क्या कहा जाता है इसके पुरोहित को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है ये ध्यान रखना है ब्राह्मण ठीक है ये ध्यान रखना है प्यार दोस्तों इसके पुरोहित को क्या कहकर संबोधित किया जाता है ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है अब बात की थी ये तो मुख्य मुख्य जानकारी हो जाती है इनकी वेदों की है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट वेद त्रय हमने देख ही लिए तो पहले ही देख लेते वेद त्रय कौन कौन से अर्थात उसमें वेद त्रय में जो है वेद त्रय की बात करें तो तीन वेदों को सम्मिलित किया जाता है किस कौन कौन से ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित किया जाता है किस किस को भाई वेद त्रय ये 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 शब्द है ये कई बार पूछा गया है पहले दोस्तों वेद त्रय क्या वेद त्रय किसे कहते हैं अर्थात तो वेद त्रय की बात करें तीन वेद आते हैं कौन कौन से वेद आते हैं यहाँ पर तीन वेदों को सम्मिलित किया जाता है वेद में कौन कौन से वेद आते हैं ऋग्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद रजुर्वेद और तीसरा जो है साम वेद ये वेद त्रय में शामिल किए गए हैं एक दो और तीन इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं भाई वेद त्रयी कहते हैं क्या कहते हैं वेद त्रयी कहते हैं याद रखना इनको वेद त्रयी कहते हैं अथर्वेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है किसको कौन से ग्रंथ को शामिल नहीं किया गया है या कहा जाता है कि यहाँ पर अथर्वेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये और इसको ध्यान भी रखना है आपको वेद त्रय किस किस को कहा जाता है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को वेद त्रय कहा जाता है यहाँ से पूछा भी जाता है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है या कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए देखिए क्या कैसा प्रश्न पूछा जाता है यहां से प्रश्न भी बनता है निम्न में क्वेश्चन क्या बनता है भाई क्वेश्चन की बात करें निम्न में ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं होता नहीं होता है ठीक है या नहीं किया गया है तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन देखेंगे भाई पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका ऋग्वेद ऋग्वेद दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका दूसरा जो ऑप्शन आ जाएगा यजुर्वेद कौन सा यजुर्वेद और तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका वेद, शाम वेद और चौथा ऑप्शन आ जाएगा आपका अथर्ववेद कौन सा अथर अथर्वेद कौन सा आ जाएगा अथर्वेद अथर्वेद है ना ठीक है प्यारे दोस्तों तो यहां पर आपका सही क्या होगा जवाब यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये शामिल नहीं किया जाता सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका अथर्वेद शामिल नहीं किया जाता बाकी तीनों वेदों को वेद त्रय में शामिल किया जाता है ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया और बनने की संभावना रहती है सभी लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ठीक है यहाँ पर अब बात लें तो वेदों के कुछ महत्व की बात कर लें तो वेदों के महत्व की बात करें तो देखिएगा क्या क्या है यहां पर सबसे प्राचीन वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद कौन सा हो जाएगा भाई ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद क्या किसकी बात करें सबसे नया या नवीन वेद सबसे नवीन वेद और सबसे नवीन जो वेद हो जाएगा वो कौन सा आपका जो सबसे नवीन वेद माना जाता है प्यारे दोस्तों किसको माना जाता है अथर्वेद को या नवीनतम कह दे किसको अथर्वेद को किसको अथर्वेद को किसको माना जाता है अथर्वेद को अथर्वेद को क्या माना जाता है कि सबसे नवीनतम वेद माना जाता है यह ध्यान रखना है आपको सबसे प्राचीन पूछ सकता है आपसे सबसे नवीन पूछ सकता है श्लोकों की गणना के आधार पर वेदों का क्रम देख लिया जाए तो देखिए क्या श्लोकों की गणना के आधार पर किसकी गणना के आधार पर वही श्लोकों की गणना के आधार पर, पर किस पर श्लोकों की गणना के आधार पर यहां पर ध्यान दें तो क्या ध्यान दें प्यारे दोस्तों श्लोकों की श्लोकों की गणना श्लोकों की गणना के आधार पर वेदों का क्रम वेदों का क्रम अर्थात सबसे ज्यादा किसमें हैं श्लोक उससे कम किसमें हैं फिर उससे कम किसमें हैं ऐसा दिन पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए सबसे पहले बात करें तो यहां पर इसके आधार पर देखा जाए तो एक नंबर पर जो रखा जाएगा आपका ऋग्वेद कौन सा रखा जाएगा सबसे ज्यादा जो श्लोक है वो कहां पर रखे गए हैं ऋग्वेद में उसके बाद जो रखा जाएगा आपका अथर्ववेद कौन सा रखा जाएगा भाई आपका अथर्ववेद दूसरे नंबर पर रखें तो अथर्ववेद कौन सा अथर्व अथर्वेद कौन सा रखा जाएगा और तीसरे नंबर पर कौन सा रखा जाएगा भाई यहां पर अथर्वेद और तीसरे नंबर पर कौन सा रखा जाएगा यजुर्वेद कौन सा यजुर्वेद कौन सा रखा जाएगा यजुर्वेद और चौथे नंबर या अंतिम पर रखा जाएगा शाम वेद ये क्रम है भाई सर्वाधिक किस्में ऋग्वेद ऋग्वेद में, की में, की संख्या सर्वाधिक फिर सामवेद में फिर यजुर्वेद अब आपसे उल्टा भी पूछ लिया जाए तो उल्टा क्या होगा सबसे कम सामवेद फिर उससे ज्यादा यजुर्वेद फिर उससे ज्यादा कहता अथर्वेद फिर सबसे ज्यादा ऋग्वेद इस तरीके से आपको आना चाहिए ठीक है वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई वेदों को श्रुति भी कहा जाता है वेदों को क्या कहा जाता है भाई श्रुति क्या कहा जाता है श्रुति भी कहा जाता है क्या कहा जाता है वेदों को श्रुति कहा जाता है श्रुति भी कहा जाता है वेदों को क्या कहकर संबोधित करना किया जाता है श्रुति और इसका अर्थ क्या होता है इसका मतलब होता है सुनना क्या होता है सुनना क्या होता है भाई श्रुति का मतलब होता है सुनना क्या होता है भाई सुनना श्रुति का मतलब क्या होता है सुनना अर्थात ऐसे ग्रंथ जो सुनकर लिखे गए हो या जिनका वर्णन क्या किया गया हो वेदों को सुनना अर्थात इसको का मतलब क्या हो जाएगा वेदों को सुनना सुनना से मतलब क्या है वेदों को सुनना इसका मतलब क्या है वेदों को सुनना श्रुति का मतलब है सुनना अब सुनने से मतलब जैसे ग्रंथ जो सुनकर उतारे गए हो या सुनकर उनका उल्लख क्या किया गया हो अर्थात ज्ञान अर्जित किया गया हो फिर वो धीरे धीरे लिपिबद्ध हो गए हो इसको क्या कहा गया श्रुति साहित्य भी कहा जाता है वेद को क्या कहा जाता है श्रुति भी कहा जाता है वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर या बोलकर हस्तांतरित किया गया अतः वेदों को श्रुति भी कहा जाता है ठीक है तो यहां पर क्या लिखेंगे आप वेदों को ठीक है तो यहां पर लिखेंगे आप वेदों को वेदों को सुनकर सुनकर एक सुनकर या फिर बात करें या तो सुनकर यानी कि सुना गया है या फिर क्या किया गया है सुनकर या बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया गया है सुनकर सुनकर या बोलकर सुनकर सुनकर या बोलकर एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया गया है क्या किया गया है अभी स्थानांतरित किया गया स्थानांतरित किया गया है। स्थान्तरित किया गया क्या किया गया हस्तांतरित किया गया इस कारण इस कारण वेदों को वेदों को श्रुति वेदों को वेदों को श्रुति कहा जाता है कहते हैं क्या कहते भाई वेदों को श्रुति कहते हैं अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर स्थानांतरित किया गया या हस्तांतरित किया गया इस कारण से क्या कहते भाई वेदों को श्रुति कहते हैं क्या कहते भाई श्रुति कहते हैं तो वेदों को बोलकर या पढ़कर या सुनकर जहाँ से हस्तांतरित किया गया इस कारण से क्या कहा जाता है भाई श्रुति कहा जाता है किसको कहा जाता है भाई वेदों को श्रुति भी कहा जाता है ये हमें जानकारी कहां से मिलती भाई चलिएगा स्मृतियों की बात करें याद रखना स्मृति जो होती है याद रखना स्मृति का अर्थ क्या होता है भाई याद करना ठीक है तो ये सारी जानकारी हमें क्या कहा से मिलती है वेदों से अब बात करें यहां पर आरण्य ग्रंथ भी मिलते हैं हवन कर्मकांड ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों को स्मृतियां भी कहा जाता है स्मृतियां याद करने का एक तरीका होता है भाई क्या होता है भाई याद करने का तरीका स्मृतियाँ होता है स्मृति का मतलब स्मृति साहित्य भी कहा जाता है इसे क्योंकि याद करना और जब सुनेंगे तो याद होगा याद होगा तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बोलकर सुनाने का अवसर मिलेगा ठीक है याद होगा तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है स्मृतियाँ भी कहा जाता है स्मृतियों में बात करें कि अलग अलग स्मृतियाँ देखने को मिलती है हमें क्या क्या स्मृतियाँ देखने को मिलती है भाई हम बात करें तो स्मृतियाँ की बात करें सबसे प्राचीन स्मृति जो मिलती है हमें मनुस्मृति मिलती है ये वैगिक साहित्य का भाग नहीं माना गया अभी जो स्मृतियाँ हैं स्मृतियों की बात करें तो स्मृतियाँ में क्या मिलता है हमें स्मृति स्मृति भी क्या होती है भाई स्मृति की बात करें पहले दोस्तों तो स्मृति 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 का मतलब होता है सुनना या क्या होता है सुनना ही होता है वास्तव में देखा जाए तो या याद करना एक तरीके से वेदों को याद करना स्मृति का मतलब क्या होता है याद करना क्या होता है याद करना ठीक है स्मृति को मतलब यानी कि अपन कहते हैं ना कोई चीज स्मृति में लाओ तो याद करो उसको और हमें सुनाओ वही कंडीशन वेद पहले याद किए जाते थे स्मृति में लाए जाते थे इस कारण कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई यहाँ पर जो देखने को मिलता है यहाँ पर जो देखने को मिलता है स्मृति या याद करना होता है इसका मतलब क्या होता है याद करना या स्मृति में रखना होता है अब क्या कंडीशन है भाई यहाँ पर वेदों को या स्मृति करना या याद करना किसको याद करें तो वेदों को याद करें किसको किसको वेदों को याद करें तो किसको करें वेदों को याद किया गया याद किया गया तो किसको किया गया भाई वेदों को याद किया गया अब ध्यान दें यहां पर सबसे प्राचीन स्मृति क्या सबसे सबसे प्राचीन स्मृति 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 को माना जाता है किसको माना जाता है मनु स्मृति को माना जाता है किसको माना जाता है मनु स्मृति को माना जाता है मनु स्मृति को माना है सबसे प्राचीन स्मृति किसको माना जाता है मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति कहा जाता है और देखिएगा वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता है लेकिन ये देवीय ज्ञान का अंश माना जाता है ये मनुस्मृति मनुस्मृति वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना गया मनुस्मृति किसका वैदिक साहित्य का भाग नहीं मानी गई वैदिक यह वैदिक मनुस्मृति मनु स्मृति वैदिक साहित्य का वैदिक साहित्य का भाग नहीं मानी गई है नहीं मानी गई है नहीं मानी गई है, मानी गई है। ये वैदिक स्मृति लेकिन इसमें क्या है लेकिन इसमें इसमें देवी अंश देखने को मिलता है देवी अंश है लेकिन इसमें देवी अंश है क्या है भाई देवी अंश की मिलती जानकारी मिलती है किसकी जानकारी मिलती है अर्थात देवताओं के मुंह से ये बोली गई और इस प्रकार इसमें जानकारी मिलती है मनुस्मृति के बारे में किसकी जानकारी मिलती है भाई मनुस्मृति के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है और बात करें यहाँ पर आरण्य ग्रंथ या ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मण जो होता है ये वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं क्या कहलाते हैं भाई ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं तो अब बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों की किसकी किसकी बात करने जा रहे हैं ब्राह्मण किसकी बात करने जा रहे हैं भाई ब्राह्मण ठीक है ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये किसकी वेदों की विशेष व्याख्या की गई है ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा के द्वारा वेदों की विशेष व्याख्या की गई है क्या की गई है वेदों की विशेष व्याख्या की गई है किसकी ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की विशेष व्याख्या की गई है ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि वेदों की विशेष व्याख्या कहाँ पर की जाती है और ये क्या कहलाते हैं जहां पर वेदों की विशेष व्याख्या की करने वाले ग्रंथ है या इन ग्रंथों को क्या कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कहकर संबोधित करते हैं अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों की के द्वारा जिसकी वेदों की विशेष व्याख्या की गई है ठीक है तो उन्हें हम क्या कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं ठीक है समझ में आ जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है ठीक है इसके बाद क्या करें यहाँ पर यज्ञ हवन कर्मकांड इत्यादि की क्रियाओं को भी व्याख्या की गई यहाँ पर किसकी इनमें इनमें यज्ञ यज्ञ यज्ञ, हवन यज्ञ हवन की जानकारी भी मिलती है किसकी जानकारी मिलती है भाई? यज्ञ हवन की जानकारी भी मिलती है अर्थात इनका उल्लेख भी किया गया है यज्ञ हवन और कर्म किसकी? कर्म कांड कर्म कांड की क्रियाओं की क्रियाओं की जानकारी भी मिलती है की मिलती है ठीक है जानकारी मिलती है या फिर या व्याख्या की गई है अर्थात यहां पर यज्ञ हवन कुंड और कर्म कांडों की जानकारी भी हमें कहां से मिलती है भाई ब्राह्मण ग्रंथों से देखने को मिलती है और ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाते हैं वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथों को या वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथों को क्या कहेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे ठीक है पहले साथियों यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी ठीक है आगे बात करें तो यहां पर आरण्य किसकी बात करें हम आरण्य की बात करें तो आरण्य जो है आरण्य ग्रंथ किसकी बात करें भाई नेक्स्ट आरण्य 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 या अरण्य ठीक है अरण्य या आरण्य इनको कहते भी, आरण्य या अरण्य क्या है अरण्य ग्रंथ होते हैं जो कहां पर वन के होते हैं इसका मतलब होता है अरण्य का मतलब होता है अरण्य होता है अरण्य अरण्य ये इसका मतलब होता है भाई वन सबसे पहले तो क्या होता है इसका मतलब वन क्या होता है इसका अर्थ ही वन है अर्थात ऐसे ग्रंथ जो वन में लिखे गए, गए हो ऐसे ग्रंथ जो वन आश्रम में लिखे गए थे ऐसे ग्रंथ जो वान आश्रम में लिखे गए थे कब लिखे गए थे वानप्रस्थ आश्रम के समय लिखे गए थे तो क्या कहेंगे भाई ऐसे ऐसे ग्रंथ जो वान स्थ आश्रम आश्रम के समय लिखे गए के समय लिखे गए अर्थात वन में रख अर्थात वान प्रस्थ आश्रम के दौरान क्या किए जाते हैं हम वान प्रस्थ के दौरान वानप्रस्त आश्रम भाई आश्रम कितने होते हैं चार आश्रमों का उल्लेख किया गया कितने आश्रम होते हैं चार आश्रम कितने आश्रम बताए गए हैं चार आश्रम बताए गए कितने आश्रम चार आश्रम बताए गए चार आश्रम कौन कौन से हैं चार आश्रमों की बात करें आश्रम कितने हैं यहाँ पर मैं आश्रमों की बात कर देता हूँ थोड़ा सा कितने आश्रम होते हैं चार आश्रम कितने चार आश्रम की बात करते हैं किसके आश्रम की बात करते हैं चार आश्रम और चार आश्रम कौन कौन से इसकी जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पर पहला ब्रह्मचर्य आश्रम कौन सा होगा भाई ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम दूसरा ग्रस्त आश्रम ग्रस्त आश्रम ठीक है ग्रस्त आश्रम और तीसरा तीसरा होगा वान पृस्थ आश्रम वान पृस्थ आश्रम और चौथा होगा संन्यास आश्रम कौन सा होगा संन्यास आश्रम संन्यास आश्रम कौन सा होगा भाई संन्यास आश्रम यहाँ पर इसकी आयु जो बताई गई जीरो से पच्चीस वर्ष और इसकी जो आयु जो आयु है आयु की बात करें वर्ष ठीक है इसकी जो आयु बताई गई है ये क्या है आयु किसकी इसमें आयु जो बालक की आयु होती है यहाँ पर छब्बीस से छब्बीस से पिचहत्तर वर्ष कहाँ तक बताई गई है इसमें छब्बीस से पिचहत्तर वर्ष और जहाँ की बात करें पिछहत्तर से यहाँ पर वाहन प्रस्त की आयु छब्बीस से पचास वर्ष छब्बीस से पचास वर्ष कितने बताई गई है पचास वर्ष और यहाँ पर पचास से 75 वर्ष कितनी यहाँ पर पचास से पचास से कहाँ तक पिचहत्तर वर्ष तक कहाँ बताई गई है पचास से 75 वर्ष बताई गई है और 75 वर्ष से 75 से सौ वर्ष कितने सौ वर्ष तक किसकी बताई गई है सै सन्यास आश्रम की तो ये जो अरण्य ग्रंथ लिखे गए वन के दौरान अर्थात तो जब वन प्रस्थ अर्थात ग्रस्त जीवन को जीवन का की हड्डी कहा गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम माना जाता है जाता है कि क्या माना भाई ग्रस्त आश्रम को माना जाता है लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये जो ग्रंथ लिखे गए थे वाहन आश्रम के समय लिखे गए थे इस कारण ये वन में रह कर जिनका उल्लेख किया गया था किसका पूर्त सन्यासी सन्यासी अर्थात सब कुछ त्याग देना पहला जो आश्रम इसमें इस शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है फिर दूसरे में ब्याह करता है बच्चे पैदा करता है और उनकी शादियाँ करता है दूसरे में क्या करता है ब्याह करता है और यहाँ पर ब्याह करता है ब्याह करने के पश्चात तो ये बच्चों के घर बार के कर देता है बच्चे कमा कर खाने लग जाता है तो वो क्या करता है वन की तरफ यानी कि वन में रहने लग जाता है बच्चों से थोड़ा बहुत मेल जुला रहता है लेकिन वन की तरफ चला जाता है अब लालन पालन करना ठीक है उसके बाद संन्यास आश्रम पूर्णतः सन्यासी बन जाता है पिचहत्तर के बाद अर्थात मानव की आयु कितनी बताई गई है सो वर्ष बताई गई है और सो वर्ष में इस प्रकार से चार आश्रमों में, में उसको बांटा गया ठीक है साथियों अब बात करें तो यहां पर वन में गमन करते समय जिन का उल्लेख किया गया या जिन किसका जिन ग्रंथों का उल्लेख किया गया वो ग्रंथ कौन से भाई वो ग्रंथ हो जाएंगे आपके कौन से ग्रंथ हो जाएंगे अरण्य ग्रंथ कौन से ग्रंथ हो जाएंगे भाई अरण्य ग्रंथ नेक्स्ट बात करते हैं चलिए तो ये ध्यान रह जाएगा आपको अरण्य ग्रंथ हो गए थोड़ा इधर ले ये ध्यान रख लेना तो ही बता दिया मैंने आगे इसका और जिक्र करेंगी। ऐसे आश्रम व्यवस्था का अच्छे से जिक्र करेंगे ठीक है आश्रम व्यवस्था का अच्छे से जिक्र करेंगे ठीक है अभी तो ऐसे ही बता दिया मैंने चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अब बात करते हैं उपनिषद की किसकी बात करें भाई उपनिषद जो है उसकी बात करते हैं किसकी बात करते हैं उपनिषद की चलिए कभी तो उपनिषद की बात करते हैं उप निषद किसकी बात करते हैं उपनिषद ठीक है उपनिषद जो शब्द है पैर दोस्तों सॉरी क्या उपनिषद दूसरा शायद उपनिषद ये वाला उपनिषद और उपनिषद जो है यहां पर बात करें तो उपनिषद जो शब्द है प्यारे दोस्तों ये तीन अक्षरों से मिलकर बनता है उप प्लस नी प्लस सद कितने अक्षरों से मिलकर बना है इसके बात करें तो यहाँ पर ये जो शब्द बना है कितने से पहला उप प्लस नी प्लस सद प्लस सद ये इनसे मिलकर बना है इनका अर्थ देखें तो इनका अर्थ जो लिया जाता है क्या लिया जाता है भाई उप उप का मतलब होता है अर्थार्थ समीप या पास में इसका अर्थ क्या होता है उप का अर्थ होता है इसका अर्थ की बात करें किसकी अर्थ की तो अर्थ की जो बात करें इसका अर्थ होता है पास में या समीप क्या होता है भाई पास में या समीप नी का अर्थ की बात करें तो नी का जो अर्थ है नी का अर्थ क्या होगा भाई यहाँ पर नी का अर्थ लें तो नी का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों नी जो शब्द है यानी कि उप का तो मतलब होता है पास में या समीप अब नी का जो अर्थ लिया जाता है वो होता है ध्यान पूर्वक क्या प्यारे दोस्तों ध्यान ध्यान पूर्वक क्या होता है ध्यान पूर्वक अर्थात एकाग्रचित होकर इसका मतलब नीका क्या होता है ध्यान पूर्वक या एकाग्रचित होकर बैठना और सत का मतलब होता है क्या होता है सत का मतलब सत का मतलब होता है बैठना क्या होता है भाई बैठना क्या होता है बैठना और इसका मतलब पूरे का मतलब होता है गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना इसका पूरे का अर्थ लिया जाए तो इसका प, इसका अर्थ होता है उप का मतलब होता है पास में या समीप इसका मतलब क्या हो जाता है पास में या समीप इसका नी का मतलब होता है ध्यान पूर्वक या बैठना ठीक है अब बात करें तो यहाँ पर जो जानकारी मिलती भाई यहाँ पर उपनिषद तो हमने देख ही लिया चलो एक मिनट थोड़ा तो तो बीच भी कर देते हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई उपनिषद के बारे में ठीक है और उपनिषद क्या है ये आपने देख लिया इसका अर्थ क्या होता है अर्थ लगाए तो इसका टोटल सारा अर्थ देखे तो कहा जाता है गुरु के समीप ध्यान पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति हेतु बैठना क्या देखे तो इसका पूर्ण अर्थ ले तो गुरु के समीप ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक बैठना बैठना ठीक है क्यों ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना किसके लिए ज्ञान प्राप्ति किसके लिए भाई ज्ञान प्राप्ति के लिए किसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना अर्थात ध्यान पूर्वक गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना इसका अर्थ हो जाता है और इसका किस लिए बैठता है गुरु के समीप भाई ज्ञान प्राप्त करें गुरु का मतलब क्या है ज्ञान ही होता है गुरु वास्तव में क्या है ज्ञान देने वाला होता है और गुरु के लिए पास में बैठेगा तो क्या है? उसका उद्देश्य होगा उसका उद्देश्य एक ही होगा ओनली ज्ञान प्राप्त करना क्या होगा भाई ज्ञान प्राप्त करना ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले बात करें यहाँ पर उपनिषदों की संख्या कितनी होती है भाई उपनि तो, उपनिषदों की संख्या की बात करें उपनिषदों की किसकी प्यार दोस्तों उपनिषदों की संख्या उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद की संख्या यहाँ पर बात करें तो उपनिषद की संख्या जो बताई गई है 108 कितनी बताई गई है भाई 108 होती है उपनिषद की संख्या 108 होती है उपनिषद को, 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 को वेदांत भी कहा जाता है क्या कहते हैं हम उप निषद को उपनिषद को उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्या कहते हैं वेदांत भी कहते हैं वेदांत भी कहते हैं वेदांत भी कहते हैं क्या कहते हैं भाई उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं अर्थात उपनिषद की टोटल संख्या बताई गई है आठ और एक सौ आठ एक सौ आठ के बाद उपनिषद को किसके नाम से जानते हैं वेदांत भी कहते हैं यहां पर प्रमुख उपनिषदों की संख्या बारह है जिसमें कहा जाता है कि शंकराचार्य जी द्वारा भाष्य लिखा गया तो किसकी अर्थात बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं प्रमुख जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है बारह प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई बारह बताई गई तो बारह प्रमुख उपनिषद की संख्या बारह है कितनी है बारह है जिस पर या जिन पर जिन पर शंकराचार्य द्वारा किसके द्वारा शंकराचार्य जी द्वारा शंकराजीचार्य जी द्वारा क्या किया गया भाई शंकराचार्य जी द्वारा क्या किया गया कहा जाता है द्वारा भाष्य लिखा गया क्या लिखा गया कि भाष्य भाष्य लिखा गया क्या लिखा गया भाष्य लिखा गया, लिखा गया? शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया भाष्य कितनी पर बारह उपनिषदों पर लिखा गया है और इनकी संख्या भी महत्वपूर्ण कितनी मानी गई है बारह ही मानी गई है महत्वपूर्ण जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी बताई गई है बारह बताई गई कितनी बताई गई है भाई बारह बताई गई है और इनकी संख्या बारह होने के साथ साथ पैर दोस्तों क्या यहां पर इनके ऊपर भाष्य लिखा गया किसके द्वारा शंकराचार्य जी द्वारा और बात करें यहां पर कौन कौन सी उपनिषद है देखिएगा यहां पर बात करें साथियों तो कौन कौन सी जो उपनिषद है बारह उपनिषद की, की बात करें ईस बारह उपनिषद यहां पर बात कर लेते हैं कौन सी किस बात हैं, किसकी बात कर रहे हैं बारह उपनिषद किसकी बारह उप निषद बारह उपनिषद और बारह उपनिषद कौन कौन से हैं इनके बारे में जा बात करते हैं इस क्या न कठ कट, कट और क्या है प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये इस केन कठ और प्रश्न इस केन कठ प्रश्न और देखिएगा यहाँ पर जो जानकारी मिलती है हमें इस केन कठ और मुंडक मांडुक्य मुंडक मांडुक्य श्वेता मुंडक मांडुके मांडुके श्वेता वृद्धारण्यक कौन सा वृद्धारण्यक कौन सा वृद्धारण्यक वृद्धा वृद्धा हो जाएगा एक तेतरे छदों के उपनिषद छो ते तीरे और ए तर तेतरे ए कितने तर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एक और बच जाता है प्यार दोस्तों वो कौन सा है कोशी कोशी तकी ठीक है कोशोतो की ठीक है उपनिषद ये जानकारी मिलती है हमें कितने बारह उपनिषदों की जानकारी मिलती है और बारह उपनिषद कौन कौन से हैं कठ प्रश्न मुंडक है छोग्य भी कह सकते हैं इसको छंदो उपनिषद या तेतरीय ऐत्रीय और कौशित ठीक है ये बारह प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं जो जिनके ऊपर किसने शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा क्या लिखा भाई बाद से लिखा है इन बारह उपनिषदों के ऊपर ठीक है याद रह जाएगा पर दोस्तों इसके पश्चात बात करें तो आगे बात करते हैं भी नेक्स्ट बात करते हैं वेदांग किसकी बात करते हैं वेदांग किसकी वेदांग और वेदों को वेद वेदांग कितने होते हैं उनकी जो संख्या है वो छ है तो क्या वेदों को सब सही रूप से समझने के लिए वेदों को समझने के लिए समझने के लिए जिन ग्रंथों का प्रयोग किया गया उन्हें क्या कहा गया वेदांग वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों का या पूर्ण रूप से समझने के लिए जिन ग्रंथों का प्रयोग किया गया उसको क्या कहा गया वेदांग कहा गया संपूर्ण वेदों को वेद रूपी पुरुष माना गया है क्या माना गया है संपूर्ण वेद को संपूर्ण वेद को वेद रूपी पुरुष माना गया है क्या संपूर्ण वेद को संपूर्ण वेद को वेद रूपी पुरुष पुरुष माना गया क्या माना गया भाई वेद रूपी पुरुष माना गया जैसे एक पुरुष बताते हैं देखिए क्या माना गया भाई वेद रूपी पुरुष माना गया और वेद रूपी पुरुष की बात करें तो यहां पर जो चर्चाएं करें तो देखिएगा किस प्रकार से की जाए चलिए वेद रूपी पुरुष यह आपका पुरुष हो जाएगा इसके कान हो जाएंगे भाई इसकी आंखें छोटी बड़ी बनेंगी कोई बात नहीं इसकी नाक ये इसका मुख ठीक है इसका मुख और ये शरीर ठीक है तो ये वेद रूपी पुरुष हो जाएगा क्या हो जाएगा ये वेद रूपी पुरुष हो जाएगा ये ना ये पैर है इसके ठीक है पैर है ना ये वेद रूपी पुरुष है और इस वेद रूपी पुरुष की आँखें आपकी तरफ देख रहा है ये ध्यान से देखना भाई ठीक है वेद रूपी पुरुष हो जाएगा सबसे पहले वेदांग कितने होते हैं छे होते हैं कितने होते हैं भाई वेदांग छ होते हैं सबसे पहले बात करें तो कान को क्या कहा गया निरुक्त कौन से वेद को किसकी बात करें भाई कान को निरुक्त कहा गया क्या कहा गया कान को निरुक्त कहा गया उनसे को ये कान है और कान को निरुक्त 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 और निरुक्त किसको कहा गया कान को अर्थात वेदांग कौन सा है निरुक्त जो वेदांग है उसको कान बताया गया किसका वेद रूपी पुरुष का कान किसको बताया गया इसको यानी कि निरुक्त को वेद रूपी पुरुष का कान बताया गया अब बात करें नाक नाक या घ्राण ये किसको बताया गया शिक्षा को किसको नाक की बात करें किसकी बात करें भाई नाक की बात करें यहां पर नाक की बात हो रही है नाक की बात करें तो नाक को क्या बताया गया भाई शिक्षा क्या बताया गया नाक को क्या कहा गया शिक्षा क्या कहा गया शिक्षा क्या कहा गया? गया किसको नाक को शिक्षा कहा गया और आंख की बात करें किसकी बात करें हम की तो आंख को क्या कहा गया ज्योतिष क्या कहा गया ज्योतिष कहा गया किसको कहा गया आंख को किसको कहा गया? गया वेद रूपी पुरुष की किसकी कहा गया वेद रूपी पुरुष की आंख कहा गया और बात करें मुख को जो क्या कहा गया भाई मुख को इस मुख को क्या कहा गया व्याकरण व्या व्याकरण क्या कहा गया क्या कहा गया अरे थोड़ा सा व्याकरण क्या कहा गया व्याकरण किसको कहा गया मुख को कहा गया किसको कहा गया भाई? व्याकरण वेद रूपी पुरुष की व्याकरण अर्थात व्याकरण किसको कहा गया मुख को कहा गया और बात करें तो यहां पर कितने हो गए चार हो गए चार हो जाने के बाद बात करें तो यहां पर नाक होगी, हाथ को कल्प कहा गया किसको पैर दोस्तों ये है। हाथ हाथ है, को क्या कौन सा कल्प और कल्प को क्या कहा गया, कल्प कल्प. कल्प क्या कहा गया? हाथ यानी कि जो वेदांग है कल्प उसको क्या कहा गया हाथ कहा गया और पैर, पैर को क्या कहा गया पैर को क्या कहा गया भाई पैर को कहा गया भाई छंद क्या कहा गया छंद कौन सा कहा गया छंद क्या कहा गया छंद ये कहा गया पेर को किसको कहा गया? पेर को छंद कहा गया और इस प्रकार से ये छे, कितने? छे हमें क्या मिलते हैं वेदांग मिलते हैं छ वेदांग कौन कौन से प्यारे दोस्तों तो छ वेदांग ये देखिएगा देखे आपके सामने लिखे हुए छे वेदांग कौन कौन से छे वेदांग वेदांग कितने है? छे वेदांग छो छे वेद के अंग बताए गए हैं वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए पहला है निरुक्त पहला कौन सा है निरुक्त कौन सा निरुक्त कौन सा पैर दोस्तों पहला निरुक्त हो जाएगा आपका दूसरे की बात करें दूसरा हो जाएगा ज्योतिष कौन सा ज्योतिष क्या हो जाएगा ज्योतिष तीसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा शिक्षा क्या हो जाएगा शिक्षा तीसरा कौन सा हो जाएगा शिक्षा और चौथा हो जाएगा आपका कल्प क्या हो जाएगा कल्प या व्याकरण लिख दी व्याकरण क्या हो जाएगा व्याकरण क्या हो जाएगा व्याकरण और पांचवा कल्प क्या हो जाएगा कल्प और छठवा जो हो जाएगा छंद क्या हो जाएगा छंद ये छः क्या है आपके वेद रूपी पुरुष के ये छः वेदांग है और इन वेदांगों को अर्थात तो वेदों को सही तरीके से समझने के लिए वेदों को सही पढ़ने के लिए समझने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वही वेदांग कहलाते हैं क्या कहलाते हैं भाई वेदांग कहलाते हैं और वेदांग की संख्या कितनी है छः है कितनी है भाई छः है निरुक्त ज्योतिष शिक्षा व्याकरण कल्प छंद ये छः हैं और ये वेद है ये क्या है भाई ये वेद रूपी पुरुष है वेद रूपी क्या है पुरुषे इस पुरुष की जो जानकारी मिल रही है हमें इस तरीके से जो जानकारी मिलती है ये क्या-क्या है अर्थात निरुक्त कान को कहा गया आंख को ज्योतिष कहा गया नाक को शिक्षा कहा गया मुख को व्याकरण कहा गया हाथ को कल्प कहा गया और पैर को छंद कहा गया ये हमें जानकारी मिलती है और कहाँ से मिलती भी ये इसकी जानकारी मिलती है वेदांगों की ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी प्यारे दोस्तों तो पूरा का पूरा इनके द्वारा हमें वेदों को पढ़ने में आसानी हो जाती है पहले इनका ज्ञान प्राप्त कर लें तो कहा जाता है वेदों को पढ़ना आसान हो जाता है और आसान बनाने के लिए वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है ठीक है प्यारे दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश और जुनून के साथ प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों नमस्कार